भाइयों राम राम, नमस्कार, कैसे हैं भाइयों? आपका स्वागत है जुगाड़ू किसान में। भाइयों आज हम गन्ने के खेत पाए हैं और आपको एक बहुत जानकारी वाली वीडियो दिखाने वाले हैं। भाइयों आज आप वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। इस समय गन्ने में जो बीमारी आई हुई है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। भाइयों आपको सारी जानकारी दी जाएगी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कहाँ था कि जब ऊपर निकल गया तो पौधा है, इसमें नहीं है, इसमें ना निकल गया, पहले गंडार थी इसमें, यहाँ पर अगर समझो ये ऊपर निकल चुका तो गंडार नहीं है, गंडार है ऊपर, इसमें है, दिखाओ इसमें, दिखाओ कहाँ गंडार है इसमें, इतनी ना निकली तो इसमें है, बाकी बाकी गंडार है भाई, वाकई जो समझो ऊपर निकलना नहीं निकला, है तो सही गंडार है, 100% गंडार है इसमें, गंडार जो है निकल गई है। भाइयों देख लो आप गन्ने की स्थिति कैसी है, जो गन्ना सूट बोरा जो है किस तरह गन्ने को ख़त्म कर रहे हैं, आप देख लो ये अंदर तक ख़त्म कर दिया इसको। अच्छा इसमें भाई साहब गंडार किधर है, ज़्यादा नीचे तोड़ दिया है, इसमें है, इसमें यहाँ पर गंडार काट होगा, इसे दाती होती है, हाथ से तोड़ो इसको, इतने नीचे तक पहुँच गई, काटना पड़ेगा बीच में, ये दिखाओ जरा भाइयों, ये है गन्ने का दुश्मन, आप देख लो ये। अच्छा ये ऊपर को निकलेगा ही नहीं फिर, ये मतलब यहाँ से घुस के यहाँ को पड़ गई, इस समय किसान भाइयों गन्ना तैयारी पे है और ये देख लो गिंडार की क्या, गिंडार ने क्या हालत कर दी है, इसकी बढ़वा रोक दी, यहाँ से घुस के उसकी फुलझी से बढ़ गया है गिंडार, निकल गई निकल गई। भाइयों मैं भी आपको किसान भाई से मिलवाता हूँ, ये जिनके खेत में दिक्कत है, ये अंकुश भाई हैं। नमस्कार अंकुश भाई। नमस्कार भाई। अच्छा अंकुश भाई अपना पूरे गांव का नाम, पूरा एड्रेस परिचय बता दो। मेरे गांव का नाम गालमपुर है। अच्छा और जिला संभल है, थाना असमोली है। अच्छा अच्छा ये संभल में गालमपुर गाँव पड़ता है। अंकुश भाई थोड़ा जोर से बोलो, कुछ खाना वाना नहीं खाया क्या आपने? नहीं यार खाना तो खाया पर सुबह से लेकर भजने पे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा इस समय गन्ने में क्या दिक्कत आ रही है? गन्ना आपका काफ़ी अच्छा है भाई, जैसे बोलते हैं वो सुंडी। अच्छा सुंडी वाला रोग आ गया है। अच्छा अच्छा तो सुंडी को रोकने के लिए तितली को इसमें कैद करेंगे। अच्छा आपने दवाई ववाई नहीं लगाई शुरू में? दवाई लगाई है। अच्छा इसमें मैंने कोराजिन भी लगाई है। अच्छा और अब इसमें मैंने फटेरा भी डाल दी है। फटेरा भी डाल दी फिर भी रोग नहीं रुका है? ये वाला रोग नहीं रुका है। अच्छा इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अब ये जो गंडार जो लगी है ये रोग ये कर रहे हैं, मेल वालों ने ये ऑप्शन दिया है। अच्छा तो बोले ये तितली उड़ रही है, बोले इसके अंदर कह रहे हैं। अच्छा ये एक एकड़ में कितने लगेंगे? एक एकड़ में 6। अच्छा अच्छा इससे रोकथाम की उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। भाइयों ये हमारे मेल के कर्मचारी हैं। अच्छा भैया जी अपने ज़रा परिचय दो, क्या नाम है आपका? ये हंसते बहुत हैं, परिचय दो अपना। भाई क्या नाम है अपना? मेरा नाम दीपक कुमार है। अच्छा हाँ मिल में, कौन से मिल में नौकरी करते हो आप? असमोली। अच्छा किस पोस्ट पे नौकरी करते हो? अच्छा भाई साहब ये बताओ ये जो गन्ने में इस समय जो बीमारी आई हुई है इसके रोकथाम कैसे की जाए? अरे बात ये करनी है यार, हमें फोन ना डाल रहे हो तो पैसे गिन ले। आप किसान भाइयों के लिए बताओ इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इसमें रोकथाम के लिए बोले ये लगाना चाहिए, पोका बोइंग के लिए पीओसी का स्प्रे करना चाहिए। अच्छा अच्छा ये जो आप अंकुश भाई के खेत में लगवा रहे हो क्या कर रहे हो आप, ये इससे क्या लाभ मिलेगा? फ्लड ट्रैप है। क्या बोलते हैं इसको? फ्लड ट्रैप। मुँह ये कर लो भाई साहब जरा, क्या बोलते हैं इसको? फ्लड ट्रैप। अच्छा इससे क्या होता है? ऐसा ये हुआ कि तितली नर तितली इसमें फंस जाती है। और कहाँ से फंसेगी भाई साहब?
इसके कैप्सूल लगा हुआ है इसके अंदर। एक कैप्सूल कहाँ पे है? ये देखो, ये रहा कैप्सूल। अच्छा, लग गया कैप्सूल? हाँ, कैप्सूल लग गया। अच्छा, एक एकड़ में कितना लगता है? छः लगते हैं एक एकड़ में। इसकी ऊंचाई वगैरह कितनी होती है? ऊंचाई क्या, 4 फीट अपने गन्ने के हिसाब से वो कर लेना। इसकी ऊंचाई जो गन्ने की गोप होती है ना, गोप, हाँ, इतनी होनी चाहिए। मतलब गोफ के बराबर ऊंची होनी चाहिए। गोफ के बराबर ऊंची होनी चाहिए। अच्छा, तितली उड़ के इसमें खुद आएगी? जो नहीं, तितली जो इसके नर होता है, नर, हाँ, वो इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ, जब नर इसके अंदर आया तो और तितली हो तो मतलब पैदा ही नहीं होने की है। मतलब नर आ जाएगा, मादा रहेंगे बाहर तो बच्चे पैदा नहीं होने के। फिर बच्चे ही नहीं होने के। अच्छा, कैप्सूल की खुशबू सूंघने से आता है वो। अच्छा, कैप्सूल किधर दिखाना भाई? कैप्सूल फाड़ ले भाई, एक फो अच्छी है कैप्सूल। मैं तो समझ रहा खाने वाला कैप्सूल होता है, दवाई का कैप्सूल खाते हैं। अच्छा, ऐसा उसके अंदर फिट कराया जाएगा? हाँ, इसके अंदर फिट होता है, इसके अंदर। अच्छा अच्छा, फॉर एग्जांपल फिट हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें फिट हुआ है, आप दिखाना एक बार जरा फिट करके। इसको ऐसे लेंगे। अच्छा अच्छा, और इसको इसमें ऐसे करके लगा देंगे। ये जुगाड़ है इसका। फिर उसके बाद ये 1 2 3, ये 1 2 3 इसमें डाल देंगे। फिर इसको ऐसे करके लॉक कर देंगे। फिर ये देखो, ये हो गए लॉक। और ये पन्नी होती है इसकी। अच्छा, ये रबड़ हम हटा लेंगे। ये रबड़ भी हमें फेंकनी नहीं है। रबड़ फेंकनी नहीं है? नहीं, इसका रबड़ का क्या यूज रह जाएगा बाद में? अभी 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 ये रबड़ इस तरह से ये पन्नी फैल जाएगी। अच्छा अच्छा, ये पन्नी भी जो इधर से होती है खुली हुई, खुली हुई होती है। हाँ, तो इसको ऐसे करके इसको रबड़ से। अच्छा, यहाँ गांठ लगा देनी है। हाँ, ताकि कीड़ा अंदर बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकले। जब इसके अंदर कीड़े आ जाएंगे, अच्छा, तो हमें ये रबड़ ही हटा के फिर कीड़े निकाल लेंगे। मतलब सारी फुल हो जाएगी? हाँ, फुल हो जाएगी या जैसे भी आधी होगी। अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर ही हमें ऐसे दबा के कीड़े वो मार देने। अच्छा अच्छा, हाँ, और इसके अंदर देखो ये सरफेस पे दवाई भी लगी हुई है। ये रोज चेक करना पड़ेगा क्या? ये हाँ, दूसरे दिन तो करना ही करना है चेक। जैसे एक एकड़ का खेत है, उसमें चारों कोनों पे लगाओगे कैसे? एक एकड़ में मतलब एक बीघे में एक लगाना होता। अच्छा अच्छा, हाँ, कितने कहाँ से लिया आपने? ये हमने मिल से लिया। अच्छा, मिल, इसमें कुछ अनुदान वगैरह देने का छूट वगैरह क्या? दुकान से लेने जाओगे तो 35 से 40 रुपए का मिलेगा। अच्छा, लेकिन मिल वालों ने जो हमें ये 25 रुपए का दिया, तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, चलो देखते हैं फिर किस तरह काटते हैं। अच्छा, कितने अंदर काटोगे, कितने अंदर काटोगे सर? इसे कम से कम कुछ दूरी लेंगे, जो कि एक बीघे में एक घंटा हो जाए। बीच खेत में तो लेंगे एक बीघे में। इतने बीच में लेके जाना अंदर? हाँ। अच्छा अच्छा, बाहर से रेपे। ऊंचाई कम नहीं है इसकी? ऊंचाई थोड़ी सी उन्होंने जो ये पहला बांध दिया है, थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। बांधना था तो इतने बांधना था, गोभी है इसकी। हाँ, तो ऊंचा करके बांधो इसे ऊपर। इतना ऊंचा करके बांधना था, कोई नहीं, अभी हिल जाएगा ये। अच्छा अच्छा, हाँ, अगला जो है हम हाथों हाथ ही खेत में बांधेंगे। तो भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। हेलो, ठीक है भाई, राम राम, नमस्कार।